हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई और राजस्थान की रहने वाली आईएएस फरी बिश्नोई विवाह के बंधन में बंध गए हैं। दोनों की शाही शादी 22 दिसंबर को राजस्थान के उदयपुर में हुई। अब शादी के बाद नई दिल्ली, हरियाणा के आदमपुर और राजस्थान के पुष्कर में रिसेप्शन होगा। नई दिल्ली में होने वाले रिसेप्शन में केंद्रीय मंत्री और वीवीआईपी ही शामिल होंगे। राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला उदयपुर भव्य बिश्नोई और आईएएस फरी की इस शाही शादी का साक्षी बना। भव्य बिश्नोई और आईएएस परी की शादी होटल राफेल्स में हुई। उदय सागर झील के बीच बने 5 सितारा होटल में दोनों परिवारों के करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए। बता दें, अब 24 दिसंबर को राजस्थान के अजमेर के पुष्कर में रिसेप्शन होगा, तो वहीं 26 दिसंबर को आदमपुर में प्रतिभोज और ग्रैंड रिसेप्शन 27 दिसंबर को नई दिल्ली में होगा। शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे होटल से बारात निकली। दुल्हे भव्य बिश्नोई ने व्हाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और बारातियों ने साफे पहने हुए थे। बता दें, हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के पोते और आदमपुर सीट से बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई की 1 मई को परी बिश्नोई से सगाई हुई थी। परी बिश्नोई यूपीएससी 2019 बैच की महिला ऑफिसर हैं, जिन्हें सिक्किम काडर मिला हुआ है, जहां पर वे सब मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। हालांकि शादी के बाद उन्होंने अपना कैडर चेंज कराया है, अब उन्हें हरियाणा काडर की एनओसी मिल गई है। आईएएस परी बिश्नोई का जन्म बीकानेर में हुआ। इनके पिता मनीराम वकील और माता सुशीला बिश्नोई नागौर एसीबी में है। परी के पिता अपने गांव के 4 बार सरपंच रह चुके हैं। परी बिश्नोई ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। ग्रेजुएशन के बाद परी ने एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर से पॉलिटिकल साइंस में पीजी किया। 2019 में परी ने तीसरे प्रयास में यूपीएससी क्लियर किया। उन्होंने ऑल इंडिया में 30वीं रैंक हासिल की थी। एक और राजस्थान चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कुलदीप बिश्नोई नया सियासी आगाज करने जा रहे हैं, तो वहीं इनके दोनों बेटे भव्य बिश्नोई और चैतन्य बिश्नोई भी शादी के बंधन में बंध गए हैं। तो कह सकते हैं कि भव्य बिश्नोई का विधायक बनना और कुलदीप बिश्नोई का भाजपाई होना उनके लिए लकी साबित हुआ है। बहरहाल, आप इस जोड़े को क्या कुछ कहना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में राय लिखें। साथ ही चौगड़दा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।